शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल आई थी, लेकिन रात में उसके बाद किसी का कॉल आया। वो करीब 30 मिनट तक किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी। इसको लेकर जब पति ने टोका तो दोनों में विवाद हो गया। ये घटना यूपी के महाराजगंज की है। कॉल के कारण दोनों के बीच शादी के पहले ही दिन कलह शुरू हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसमें सास ससुर और ननद भी शामिल हो गए और सभी ने दुल्हन की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना की सूचना दुल्हन ने अपने परिजनों को दे दी और रातों रात दुल्हन के परिजन भी पहुंच गए। दोनों तरफ से विवाद बढ़ गया और दुल्हन ने ससुराल में रहने से साफ मना कर दिया और वो मायके चली गई, जिसके बाद दुल्हन ने पुरंदरपुर थाने पहुंची और पति समेत सास ससुर समेत कई लोगों पर केस दर्ज कराया है। घटना के बारे में दूल्हा विशाल ने बताया है कि दुल्हन शादी के कमरे में जाने के बाद लगातार फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इसको लेकर घर में तरह तरह के चर्चा शुरू हो गए। जब मैंने टोका तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। इसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट हो गई। वहीं दुल्हन ने भी पति पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं और अब ये पूरा मामला पुरंदरपुर पुलिस के पास पहुंच गया है, जहां पर दुल्हन की तरफ से FIR दर्ज कराया गया है। दुल्हन ने अब पुलिस वालों ने दुल्हन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन जो है वो अब यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है और वो अब इस पूरे मामले को अदालत तक घसीटने की बात कर रही है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।